अगली खबर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन में दिखे। शनिवार को उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालातों पर मीटिंग की। पुलिस अफसरों को चेताया, प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दें। ड्रग्स या अवैध शराब बिकी तो एसपी जिम्मेदार होंगे। प्रदेश में कहीं भी हुक्का लॉज ना चले। इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम भी शुरू की गई है। उन्होंने डीजीपी, आईजी, एसपी और कलेक्टरों से कहा कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है। अपने भी लोग छांट ले जो गड़बड़ कर रहे हैं। इंदौर में मुझे शिकायत मिली है, किसी ने गलत काम किया तो उसे छोड़ूंगा नहीं, जरूरत पड़ी तो ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे। शिवराज ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। स्कूल कॉलेज के आसपास छोटी छोटी दुकानों का ड्रग्स की शिकायत मिलती है। यह युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है। इससे हमें युवा पीढ़ी को बचाना है, इसलिए इन्फॉर्मर एक्टिव करें। इन्हें संरक्षण देने वाले कौन है, इनके तार कहां जुड़े हैं, यह जानने के लिए इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करें। नशे के अवैध कारोबार को लेकर सीएम ने कहा कि पहले चरण में अभियान चलाएं। एक से ज्यादा राज्यों से भी तार जुड़े हो सकते हैं। दूसरे चरण में कार्यवाही के बाद भी किसी जिले में ड्रग्स का अवैध शराब की बिकवाली होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। आरोपी पकड़े जाने पर एसपी, थानेदार और ऊपर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, उन पर एक्शन लेंगे। हुक्का लॉन्च कई तरह की ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हुक्का लॉन्च के नाम पर कुछ भी गड़बड़ हो, ये हम होने नहीं देंगे। कहीं हुक्का लॉन्च ना चले तत्काल बंद हो। सीएम ने डीजीपी से लेकर कलेक्टर एसपी तक को उन अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाने के लिए कहा जो गड़बड़ कर रहे हैं। कहा कि कल इंदौर में शिकायत मिली, ये इजाजत नहीं दे सकते कि कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करे, उन पर तत्काल कार्यवाही करे। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि कोई डरा धमका कर गैर कानूनी काम करे। आप ऐसी लिस्ट बना लीजिए, यह एडीजी का काम है। मुझे रिपोर्ट कीजिए, जरूरत पड़ने पर ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे, वहीं अच्छा काम करने वालों की पीठ थपथपाएंगे। सीएम ने पुलिस बीट सिस्टम और भी एक्टिव करने को कहा। कहा कि बीट की व्यवस्था ऐसी हो कि जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाए। स्कूल कॉलेजों के आसपास से लेकर आप इंफॉर्मेशन जुटाइए और कार्यवाही कीजिए। मीटिंग में शिवराज ने कहा कि दुराचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। बुलडोजर चलने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक तबाह नहीं करेंगे तब तक ये मानते नहीं है। अगर कोई बहन बेटी के साथ दुराचार करे तो तबाह करना छोड़ना नहीं है, इस लायक भी नहीं रहने देना है कि दोबारा वह इस बारे में सोचे। घर से निकलते हैं तो छेड़छाड़ की कई घटनाएं होती हैं। पीकर वाहन चलाना भी अपराध है। इन सब का पहले से प्रावधान है, इसका प्रभावी उपयोग करें। एक दिन पहले ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 7 नवंबर से घर छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नई शराब नीति जब तक नहीं बन जाती तब तक वे घर में नहीं रहेंगी। इसके एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री चौहान ने बड़ी मीटिंग बुलाई। उमा बोली, टेंट या झोपड़ी में रहूंगी, नई शराब नीति बनने तक चलाई जाएंगी अभियान।